नमस्कार, आज 30 जून जून का आखिरी दिन है और देखते हैं कि कितनी देर में रिजल्ट आता है रिवाइज्ड नीट का 2024 का, और उसके हिसाब से फिर मैं आपको कल सुबह अपडेट दूंगा कि क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है। बट ये वीडियो फिर से एक जेनरिक वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बोला ना कि कई लोग मेरे पास आते हैं और मैं कभी क्लेम नहीं करता कि सिर्फ हम ही हैं जो आपको सही जानकारी दे रहे हैं, और भी 20-50 अच्छे यूट्यूबर्स या कंसल्टेंट दे रहे होंगे, और वही 5,000 लोग हैं जो आपका बेवकूफ़ बना के पैसे कमाना चाहते हैं, उनका वही बिज़नेस मॉडल है, कोई बात नहीं। लेकिन आज का मुद्दा फिर से एक ना रिसेंट टॉक हुई मेरी, और वो आके बैठे और वही जो मेरी फेस टू फेस वाली मीटिंग होती है, और डेफिनेटली मैं उनका नाम ले लूँगा, पर कॉलेज का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो भी इस वीडियो को सुनेंगे। तो मैं वो बाबा आके मुझे कह रहे हैं बच्चे के नंबर बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चे को आप समझ लीजिए कि गुरु राम राय या मौलाना मिल सकता है। और बाबर मुझसे कहे सर ये सिक्किम मणिपाल गैंगटॉक कैसा है? मैंने कहा देखो जी बुरा कॉलेज नहीं है, लेकिन आप ये तीनों को कंपेयर कर ही क्यों रहे हो? मतलब गुरु राम राय मौलाना का लेवल बिल्कुल ही अलग है सिक्किम मणिपाल IIMS से। नहीं नहीं सर, हमारा एक जानकार है जिसने लास्ट ईयर अपनी बेटी को कराया है और वो बहुत तारीफ कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि मैंने तो वो ये दोनों छोड़ के वहाँ लिया है। अब शायद उस बंदे को भी नहीं पता था कि आजकल क्या होता है, आप भी जब कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे ना तो लास्ट ईयर पिछले 5 साल में 10 साल में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है सबकी PDF की लिस्ट लोगों ने वेबसाइट्स पर डाल रखी है। तो मैंने सिक्किम मणिपाल की वेबसाइट खोली, उस बच्चे को ढूंढ दिया। अब उस बच्चे के नंबर थे कुछ 235-240, लेकिन इस नंबरों पे तो गुरु राम राय मौलाना मिलता नहीं है, लेकिन उस फैमिली ने पूरे समाज में फैला रखा था, इंक्लूडिंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो मेरा क्लाइंट है इस साल, कि बिटिया की हमारे 350 थे, सब कुछ मिल रहा था, बट वी चोज दैट कॉलेज। अब उस चक्कर में ये जो परिवार है ये बेचारा उठ के गैंगटॉक भी होकर आ गया, ठीक है, 1,00,000 रुपये 3 लोग आना जाना, कोई बच्चा भी साथ गया था, होटल का खर्चा खर्च कर दिया, प्लस बहुत कन्फ्यूजन। जब मैंने खोल के दिखाया तो मैंने कहा सर उनको तो मिल ही नहीं रहे थे ना वो दो कॉलेज, इसलिए वहाँ पर गए हैं। और 235-235 नंबर में तो ये था कि एक्चुअली अगर लास्ट ईयर का मैं ट्रेंड देखूँ सो देर वॉज नो डिसेंट कॉलेज अवेलेबल इन नॉर्थ इंडिया, राजस्थान का उन्होंने वेट किया नहीं होगा, सिक्किम मणिपाल पकड़ लिया या कंसल्टेंट ने पकड़वा दिया, जो भी कारण है। बट एक रिश्तेदार की भी जानकारी गलत होने की वजह से इस केस में उस दोस्त ने इंटेंशनली गलत किया। कभी कभार हम गलती ये करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो रूल 10 साल से चल रहे हैं वही आज चलेंगे। तो आपका कोई मित्र होता है जिसने अपने बच्चे का 2021 में कराया था, किसी भी MCC काउंसलिंग वाली डीम्ड यूनिवर्सिटी में चेयरमैन से बात करते करके स्ट्रे मॉप अप राउंड में जो कॉलेज में होता था सीट बुक करके, लेकिन वो रूल तो 2022-23 में पूरे बदल चुके हैं। अब हम 2021 को पकड़ के बैठे हुए हैं। आप किसी कंसल्टेंट के पास गए जिसने आपका 2021 में काम कराया था उसी रिश्तेदार का, और वो तो आज भी बोलेगा हाँ हाँ मैं करा दूंगा, आप बैठ गए फंस गए, सीट सारी कंप्यूटर दे रहा है, तो पता चला आप खाली रहेंगे, क्योंकि बस काफ़ी क्लाइंट आते हैं ना जो लास्ट ईयर के ड्रॉप आउट या खाली रहने वाले, और इस चीज़ का हम क्लेम करते हैं कि शायद आप एक भी ढूंढ पाओगे जो हमारे साथ काउंसलिंग करते हुए खाली रह गया, क्योंकि हमने कुछ ऐसा फॉल्स प्रॉमिस किया ही नहीं ना कि आपको एग्ज़ाम के लिए इस साल आपके 280 मार्क्स हैं और सर मौलाना मिल जाएगा, मिल ही नहीं सकता किसी भी हालत में, या हमारे 310 नंबर है जी अमृता फरीदाबाद मिल जाएगा। पर कुछ लोग कहेंगे दिला देंगे जी, पक्का दिला देंगे। अभी रिसेंटली पंजाब की बेचारी प्यारी सी बच्ची का फ़ोन आया, सर लास्ट ईयर हमें किसी कंसल्टेंट ने कह दिया कि पक्का तुम्हें डोनेशन से दिला दूंगा मैं पंजाब का कॉलेज, तुम्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, फीस के ऊपर 50 लाख लगेंगे। ठीक है, 50 लाख डूबे नहीं डूबे मैंने नहीं पूछा, लेकिन हाउ इट वॉज पॉसिबल? तो कंसल्टेंट्स ये जो मैंने बोला, जो बाकी एजेंट हैं 5,000 वो तो झूठ बोलेंगे, 50 सच्चे भी हैं, लेकिन समटाइम ना द मिसकम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम फ्रेंड्स ऑल्सो, रिलेटिव्स ऑल्सो, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है ना, दे आर नॉट अपडेटेड, दे डोंट नो वट इज़ हैपनिंग टूडे, दे डोंट नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, उनको पता ही नहीं कि रूल कैसे चेंज हो गए हैं, उनको बेचारों को तो वो जानबूझ से गलत नहीं कह रहे। इस दोस्त ने जो सिक्किम मणिपाल वाला था जानबूझ से गलत जानकारी दी। कुछ बेचारे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें पता ही नहीं, वो तो कहते हैं हाँ 3 साल पहले फलानी जगह गए थे, वो हमें लाला जी के पास ले गए, बात कर दी, पहले ही हमने 25-30 पकड़ा दी और हमारा काम पक्का हो गया कॉलेज के दिन। तो इस साल तो हो ही नहीं सकता ना, उस बेचारे की गलती जिसने आपको गलत जानकारी दी, क्योंकि उसके बाद तो उसकी बेटी का एडमिशन हो गया था, वो थोड़ा ट्रैक कर रहा है कि एडमिशन कैसे होता है। तो आप लोगों के लिए बस यही मैं कह रहा हूँ, हर साल रूल बदलता है, हर साल दुनिया बदलती है, और इसलिए मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूँ एज़ पर 2023, कि 2023 में काफ़ी बड़े बड़े चेंज हुए थे, मॉप अप राउंड हट गया था, उसे राउंड 3 कह दिया गया था, अपग्रेड टिल राउंड 3 अलाउ हो गया था,
2022 में ये नहीं था, 2023 में MCC वाले 51 प्राइवेट कॉलेजों में स्टे राउंड ऑनलाइन हुआ, राजस्थान एकमात्र स्टेट था जिसने ऑफलाइन किया थर्ड राउंड भी। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले बताया वीडियो में कि इस साल कन्फर्म हो चुका है कि राजस्थान भी ऑनलाइन करेगा, अल्लाह सेंटिल वो सॉफ्टवेयर पे चेंज ना कर पाए जो मुझे कॉलेजेस ने बताया। और फिर मैं लोगों से कहता हूँ लेट अस वेट एंड लेट अस प्रिपेयर अवर ग्राउंड वर्क। अगर आपका कोई NRI का ब्लड रिलेशन है तो उसको पेपर देके पेपर बनवा लीजिए, नहीं है गार्जियन NRI है पेपर बनवा लीजिए, तो ग्राउंड लेवल वर्क कीजिए। जैसे जैसे एग्जैक्ट रूल आएंगे जो कि अगर काउंसलिंग होगी सबसे पहले आएंगे, उसके बाद वी कैन इमीडिएटली मूव फॉरवर्ड कि हमें नॉर्मल सीट लेनी है, हमें ब्लड रिलेशन वाली NRI लेनी है, नेगोशिएशन करा के लेनी है, हमें राजस्थान के वेट करना है थर्ड राउंड तक, क्या हमें करना है। तो ऑल अवर पीपल जो मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं इतने सारे लोग, सबको मैं कहता हूँ कि सर ये फाइनल प्लान बनने से पहले एक बार नीट के रूल आने दो। कि दो चार क्लाइंट होती है ना जो हर 3 दिन में फ़ोन करते हैं, तो सर हम क्या करेंगे। मैंने कहा आपके मार्क्स हैं, आपने मुझे मेरी फ़ीस दे दी है, फिलहाल आपका काम है बेसिक वर्क, 11th की मार्कशीट कई लोगों के पास नहीं होती आप में से, कई लोगों ने स्कूल से अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया होता, तो वो जो 25 कागज है ना वो इकट्ठे करके रखो। अगर भाई किसी के पास NRI खुद का पेपर है तो बनवा के रखो, और वो सब काम आप करके रखो, और एक बार जब रूल आ जाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस समय कोई आफत कोई जल्दी नहीं है बुकिंग कराने की, स्पेशली मतलब कि बुकिंग का भी मतलब होता है, एक होता है वर्बली बात करने, एक होता है पैसे पकड़ा के आ गए। मैं कहा पैसे तभी पकड़ाएंगे हम मोटा अमाउंट जब हमारे पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो बस ये मैं समझाना चाहता था आपको, लुकिंग एट दी सम रीसेंट टॉक्स दैट ही हैड कि, और ये तो खैर लाइफ ही मैंने बहुत देखा है, एज टोल्ड यू मैं एक नॉर्मल करियर काउंसलर भी हूँ, मैं बस कई फैमिलीज आती हैं बच्चे के नंबर 65% होते हैं, पूरे खानदान में पिछाड़ में बोल रखा होता है, और वो मुझसे कहते हैं सर ऐसा कॉलेज दिला दो जिसमें ना नॉर्मली एडमिशन 90% भी होता है ताकि हमारा झूठ है वो पकड़ा ना जाए। सोचिए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दुनिया बड़ी विचित्र है, बहुत बड़ी है, तो आपको भी नहीं पता कि आपका बचपन का दोस्त या आपका सगा रिश्तेदार चाचे ताऊ का बेटा भी लोग भी कितना झूठ बोल रहे हैं फॉर अ रीज़न, और कभी कभार वो बेचारे गलत जानकारी दे रहे हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी अपडेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट डालिए, लाइक शेयर कीजिए ताकि आप जैसे बाकी पेरेंट्स के पास भी ये थॉट्स पहुँचे और वो भी अपना निर्णय सही जानकारी लेने के बाद ही करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।